हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से जीआरपी का जॉब प्रोफाइल रेलवे में कैसा होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। जीआरपी का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। एक्चुअली जिस भी कंसर्न जो स्टेट में जो रेलवे का स्टेशन होता है, तो वहाँ पे जो है एक्चुअली हर एक स्टेशन पे तो नहीं, लेकिन आसपास के स्टेशन में दो स्टेशन पे या तीन स्टेशन पे जो है जीआरपी का जो है दो तीन एक्चुअली पोस्टिंग किया जाता है। एक्चुअली जहाँ पे आरपीएफ का एसआई ऑफिस वगैरह होता है, वहाँ पे जनरली पोस्टिंग किया जाता है। मीडियम रेलवे क्लास स्टेशन होता है, तो वो जो जीआरपी का जो पुलिस होता है, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को का जो पुलिस होता है, उसी को जो है रेलवे हायर कर लेती है। कहने का सेंस ये हुआ कि रेलवे जो है जीआरपी पुलिस को जो है सैलरी देती है जो रेलवे का कार्य करेगी, लेकिन वो पुलिस जो रिक्रूटमेंट जिसका होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। अगर महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र का एक्चुअली स्टेट पुलिस होगा जो जीआरपी में काम करेगा। अगर यूपी में है तो यूपी का स्टेट पुलिस रहेगा जो जीआरपी का काम करेगा। तो जीआरपी का वर्क थोड़ा कम होता है, जो भी स्टेशन वगैरह का जो एरिया होता है एक्चुअली उसमें कुछ ऐसा दुर्घटना वगैरह होता है या उसमें जो इंक्वायरी वगैरह जो करना रहता है, तो वो जीआरपी का काम होता है, आरपीएफ का वो वर्क नहीं होता है। तो यार्ड या स्टेशन एरिया में अगर कैसा कुछ दुर्घटना होता है जिसका इंक्वायरी की अगर आवश्यकता है, तो वो जीआरपी का कार्य होता है। इसके अलावा जो ब्लॉक सेक्शन में जो कोई भी अगर दुर्घटना होता है, तो वो आरपीएफ के अंतर्गत आता है। तो मोर और लेस क्या है, जीआरपी का जो है वर्क काफ़ी कम रहता है और वर्कलोड वगैरह भी ज़्यादा नहीं रहता है। इसीलिए अगर जीआरपी वगैरह का अगर आपको मौका मिलता है, ज़रूर आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।